जल्दी आ। कल हाय बोल दे, हाय नहीं आएगा हाँ? तो घड़ी वहां सुबह सुबह बोली को बजाने की ड्यूटी लग गई है, पानी नहीं आया बल, और लेंटर भी है ऊपर। परसों की बारिश के बाद ना रोड की हालत कुछ ऐसी हो रही है, बर्फ भी है आर पोरो। सूरज देवता के दर्शन तो पहले ही हो जाते हैं दगड़ियों आजकल ना, अभी 6 बजे हैं और सूरज देवता सर में चढ़ चुके हैं। जय देवी माता। सुबह के नजारे ही अलग होते हैं दगड़ियों। और मुझे जिसका शक था ना यहाँ कि पानी यहाँ पे खराब हुआ होगा, ठीक वही हो रहा है। इसी का शक हो रहा था मुझे कि पानी स्रोत से ही कम होगा, क्योंकि परसों भी वहीं बंद हुआ था, आज भी वहीं। ये देखो यहाँ से बंद हो रहा है, ये पानी नहीं गया बिल्कुल बंद है। लायो ये कहाँ से आता है, यहाँ से बंद है दगड़ियो, यहाँ से पानी तो खुल गया दगड़ियो। अब नीचे जाता हूँ एक राउंड। बड़े पानी का तो काम हो गया है, खैर 7 बज चुके हैं। ओहो सीन देखो दगड़ियों हमारे वहां क्या मस्त आता है सुबह सुबह ना, गजब सन्नर देख लो दगड़ियों सन्नर। दगड़ियो जिंदगी पैजम जैसे कि यारे में छह ना 9 साल रात तक यही गाड़ छी एलियो, दिन में दी बात चुक रहा एलियो यही गाड़ छू कौन तो रात लगाया इसने दिन में खराब है क्यों, और तबीयत ये चल रही ना दगड़ियो की बतू यार हालत खराब रे। खैर उन जो भाई काम करन पहली जरूरी भी आज यही गाड़ पूछ चुक रही है तो मैं मैं ले तो बड़ा है कौन, पर बीच में गति ब्लॉग है क्यों बला लाइन ब्लॉग है कि नहीं लाभ ये सो लगने में आप खोलू ना बोला। ओहो राम यो नन दिख रहे हो पाया मैं दुशा उन जैसे अजगर रहे हो दगड़ियो, मैं तो गाड़ आ चुक रहा हूँ रोहित भाई जुड़ चुक रहा हूँ ना तुम्हारे गाड़ रेंच हंस पकड़ गए फिलहाल दगड़ियो कमक क्या ना हो यो खाली लून भी हो बुध गाड़ बिल्कुल कमक नहीं भी हो दगड़े हो हलदार साहब से मार ड्रेस रहे तारन लग गया मतलब हूँ पूरी है मतलब तैयार से मतलब जंग मजन है और ये बंदूक बंदूक लेने रेडी है चुकरे यार बंद कर तसला जय हो भंडारी गोलू देवता। दगड़े दो आदमियों के बस के नहीं है, कल अब 3-4 लोग बुलाने पड़ेंगे तब जाके ठीक होगा पानी, फिलहाल चलते हैं अभी घर को। हो राम भिज गई दगड़ियों पूरे आज दगड़ियों, यार सोच रहा था रील बनाऊंगा ना पर क्या हवा चल रही है आज आने की गजब गजब सीन है दगड़ियों गजब
पता नहीं मेरी आवाज आ भी रही है या हवा की आवाज आ रही है। गजब सी चाल दगड़ियो, आज ना मैंने एक कुछ खास बात करनी है। दो थंबनेल देख के तो खैर पता चल ही गया होगा आपको, वो सब बाद में करते हैं। पहले आप घर पहुंचता हूँ यार, कपड़े चेंज करता हूँ। जाड़े क्यों दगड़ियो जाड़े? 5 बजने वाले हैं और बारिश शुरू हो गई है एक बार फिर से। दगड़ियो दगड़ियो दगड़ियो, तो अब मुलाकात हो रही है आज आपसे सीधे शाम के समय। एक्चुअली कुछ बात करनी थी, मैंने दिन में भी बोला था। क्या कहते हैं ना दगड़ियो, हमारे मतलब हम पहाड़ियों को अगर हम कहीं जाते थे ना, पहाड़ी लोगों को बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मतलब दयालु आदमी, इस टाइप की हमेशा मतलब इमेज जो होती है होती थी ना पहाड़ियों की, वो बिल्कुल एक नंबर की होती थी। मतलब कहीं से मतलब कोई वो कहते हैं अवगुण उस इमेज में नहीं था। ऐसे ही अपने एक राजविष्ट जो अभी इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं और वहाँ पे रहकर भी इंडियन देश की तो सेवा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने घर पड़ोस आस पड़ोस की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही है एक छोटा सा बच्चा है यार, 6 साल का, कसम से। तो उसके उसको रखा है कैंसर, तो उसके लिए कम से कम 80 लाख रुपए का जो खर्चा आ रहा है, वेल डॉक्टर लोग 80 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं। तो उसके पिताजी लोग दगड़ी वैसे ही छोटी मोटी प्राइवेट जॉब वाले क्या जानते हैं यार, 80 लाख रुपए कितने होते हैं 80 लाख रुपए? हमने साला अपनी लाइफ में आज तक 1 लाख रुपया नहीं देखा। तो आप लोग मुझे यहाँ पे आ रहा हो गए हाँ। तो राजविष्ट ने भेजी थी ये मुझे, मुझे भी कल तक पता नहीं था, फिर अभी मैंने अपने बबलू भाई थे उनसे भी पता किया था ना कि यार क्या है इनका। बाकी तो आप लोग उसे जितना हो सके दगड़ियो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितना हो सके आप लोग उसे गूगल पे या अकाउंट पे जितना भी हो सके जरूर मदद कीजिएगा दगड़ियो। उम्मीद तो है वैसे सभी लोग अच्छे होते हैं, पर दगड़ियो ना आज जैसे ही मैं दिन में पानी लगा के आया उसके बाद बहुत बुरी खबर। मतलब उसकी फोटो देखी ना मैंने दगड़ियो, हमारे साथ पढ़ता था यार वो, जब हाई स्कूल इंटर में थे हम, सुबह कलची कलची बोलते थे हम उसको। परसों जब वो मिला था मेरे को, आजकल ड्राइविंग कर रहा था वो, परसों मिला था मेरे को मतलब 1-2 महीने पहले। तो गाड़ी रोक के आता है मेरे पास, बोल रहा था पहचान रहा है, भूल कैसे सकते हैं दो दो दगड़ियों जिन्होंने साथ पढ़ाया ना। मैंने बोला क्यों नहीं यार, क्यों नहीं पहचान रहा हूँ। तो उस दिन से रोज मिलता था वो, जब भी ऊपर नीचे जाता था हाय हेलो बोलता था, और आज दगड़ियों ऐसा सुनने को मिला। जिसने भी ना दगड़ियों उसके साथ ऐसा किया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, जिसने भी किया है चाहे जो भी किया है बड़ी दयनीय। अब मैं फोटो अभी खैर पूरी तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत क्लिप जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी देखें कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है दगड़ियों। तभी कहता हूँ ना मैं पहाड़ी की जो इमेज थी ना आज तक की, पहाड़ी बहुत दयालु होते हैं, बहुत धीरे धीरे दगड़ियों खराब हो रही है सारी इमेज। लोग पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है दगड़ियों, ऐसी स्थिति। यहाँ पे वार हुआ है दगड़ियों, यहाँ पे कुल्हाड़े से मतलब यहाँ पे तो पूरा घाव दिख रहा है उसका पूरा, और फिर फेंक दिया रोड में। फिर पता नहीं कौन थे लोग, फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस के साथ साथ दगड़ियों ना हम लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो दगड़ियों अगर ये लोग जिन्होंने भी ये काम किया है ना, अगर वो आज बच गए तो ना आगे को भी क्या पता और हो सकते हैं ऐसे कांड। तो इन कांडों को रोकने के लिए दगड़ियों प्लीज वीडियो को जो है खैर वीडियो को तो क्या बोलूं, आप लोग जैसे भी हो सके जिस भी तरीके से हो सके उस भाई को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, मैं तो यही कहता हूँ। और अपने जो कांडा के हैं उनके लिए दगड़ियों हाथ जोड़ के, छोटा सा बच्चा है यार 6 साल का, बहुत ही मतलब आज दिन दोपहर के बाद ना ऐसी खबरें सुनने को मिली ना, उसके बाद जो मौसम हुआ है ना दगड़ियों, आसमान भी रो रहा था। कभी कभी तो ना दगड़ियों कुछ समझ में ही नहीं आता यार, क्या मतलब हम कौन सी लाइन पे चल रहे हैं, किस वे पे आगे को हमारा क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। बड़े खराब जवान आ गए, भरोसा तो आजकल किसी पे करना ही मतलब
किसी पे भरोसा करने का मतलब जानते हैं आप? कोई भरोसे के लायक नहीं, वहीं रहता था वो दगड़ियों, क्या कहते हैं, जो जिसकी डेथ हुई है, टिमटा में रहता था बोल, वहीं जो उसके मालिक लोग थे उनके पास एक बड़ी गाड़ी भी है और एक छोटी, वो मैंने उसको छोटी गाड़ी में ही देखा था ज्यादातर, अल्टो चलाता था वो सवारी टैक्सी गाड़ी पे, पर आज जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है पहले वहाँ पे जो बड़ी गाड़ी है उनकी उस पे दो पाइप वाइप रखे हुआ, भगवान जाने क्या हुआ है दगड़ियों, पर जो भी हुआ है सच सामने आना चाहिए दगड़ियों, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी आज अब मेरे पास कुछ बोलने को भी नहीं है, और प्रियांशु भाई को जरूर सपोर्ट करें आपसे जितना हो सके दगड़ियों, 1 रुपया भी काफी है यार, एक छोटा सा बच्चा है वो दगड़ियों, खैर मैंने तो देखा नहीं है, उसके पिताजी को जरूर देखा है, पर जरूर मदद कीजिएगा दगड़ियों। इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करता हूँ, ज्यादा कुछ है भी नहीं, होप कि कल मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए और आपसे मैं एक फ्रेश मूड के साथ मिलूँ, इसी उम्मीद में आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ दगड़ियों, बाय।